नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। धार्मिक नगरी उज्जैन में आए दिन किसी न किसी त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रविवार को तिल चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिरों में विशेष आयोजन किए गए। शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिंतामण गणेश मंदिर परिसर में साल भर में आने वाली 24 चतुर्थी में से एक विशेष चतुर्थी महामास की तिल चतुर्थी को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के दौरान त्रेता में राम लक्ष्मण सीता के वनवास आगमन का रहस्य भी मंदिर परिसर में दर्शाया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता तीनों प्रतिमाओं के पूजन करते बैठे दिखाई दे रहे हैं। वह बाण गंगा को भी सजाया गया है। वह भगवान को पुजारियों ने 56 भोग की प्रसादी अर्पित की। मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष में 24 चतुर्थी में से 4 चतुर्थी विशेष होती हैं, जिसमें से महामास में आने वाली तिल चतुर्थी का मनोस्थिति के लिए भगवान को तिल्ली और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन सभी रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने के उद्देश्य से महिलाएं व्रत कर इसे मनाती हैं। आज त्रेता में भगवान के पूजन का दृश्य दर्शाया गया है। शास्त्रों में भी प्रथम पूजन भगवान ने ही किया था, उसी को आज दर्शाया गया है। बाणगंगा जल से पूजन किया गया था। केंद्र बिंदु रही बावड़ी को भी सजाया गया। 56 भोग व तिल गुड़ के लड्डू का विशेष भोग भगवान को लगाया गया है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने गणपति की यह मूर्ति स्वयं स्थापित कर इस मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास काल में एक बार सीता जी को प्यास लगी, तब राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने अपने तीर को इस स्थान पर मारा, जिससे पृथ्वी में से पानी निकला और यहाँ एक बावड़ी बन गई। तभी श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की हवाएं दोषपूर्ण होने की बात जानी और इसे दूर करने के लिए गणपति से अनुरोध कर उनकी उपासना की। इसके बाद ही सीता जी बावड़ी के जल को पी सकी। इसके बाद श्री राम ने यहाँ के इस चिंतामण मंदिर का निर्माण कराया। आज भी लक्ष्मण बावड़ी के नाम से वो तालाब यहाँ मौजूद है। तिल चतुर्थी जो वर्ष में 24 चतुर्थी होती है, उसमें 4 चतुर्थी विशेष होती है। महामाघ के चतुर्थी को तिल चतुर्थी कहते हैं और इस दिन भगवान को गुड़ और तिल्ली का भोग लगाते हैं। इसका महत्व ये है कि हर मनोपूर्ति के लिए भगवान गणपति को तिल और गुड़ के लड्डू चढ़ा करके मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान गणपति को मनाया जाता है। किसी भी रुके हुए कार्य को सिद्ध करने के लिए भी इस चतुर्थी का महिलाएं व्रत करती है और इसके व्रत लेकर के अपने कार्य सिद्धि की भगवान से प्रार्थना करती है। आज जो श्रृंगार किया गया है, इसमें ऐसा दर्शाया गया है कि त्रेता में राम लक्ष्मण ने पहली बार जो पूजन किया था वो उसी को इस स्थान पे लाया गया है, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता तीनों भगवान चिंतामण इच्छामण सिद्धिविनायक का पूजन कर रहे थे। जिस प्रकार से बताया जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि प्रथम पूजन भगवान का राम लक्ष्मण सीता ने किया था, वही दृश्य आज त्रेता का आज यहाँ पर भगवान के साथ में रखा गया। वहीं महाकालेश्वर मंदिर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में पर्व को हर्षोल्लास से मनाया गया। पुजारी चम्मू गुरु ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस चौकी प्रभारी आर के यादव और प्रोटोकॉल अधिकारी मनीष शर्मा ने महाआरती की। सिद्धिविनायक भगवान को इस अवसर पर तिल के विभिन्न व्यंजनों का महाभोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा गया। इस अवसर पर विशेष रूप से पत्रकार ललित सक्सेना, प्रबोध पांडे, एलएन यादव, लखन यादव उपस्थित रहे। संकष्टी चतुर्थी बहुत बड़ी चतुर्थी मानी जाती है, तो यहाँ पर सिद्धि विनायक जी गए हैं। सुबह प्रातः तो यहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया और विशेष श्रृंगार पूजन किया गया है। और आज के दिन कहते हैं कुछ लोगों में माने तिल को जोत भी मनाते हैं, लेकिन वो अगली बार आएगी, तो इसलिए आज तिल्ली का भोग लगाते हैं। तिल्ली के विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का यहाँ पर
भगवान जी को भोग लगाया है और यहाँ पर सभी एक महाआरती की गई। महाआरती में यहाँ पर समस्त पत्रकारगण और मंदिर समिति के सदस्य और कर्मचारीगण ने यहाँ पर आरती पूजन किया और भगवान सिद्धि विनायक से कामना की गई। आज के दिन जो भगवान गजानन जी से जो प्रार्थना करते हैं, विशेष करके पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो मनोकामना करते हैं और आज जो उपवास करते हैं और उसका दिन भर उपवास रखते हैं, दिन भर उपवास रखने के उपरांत रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा के पूजन अर्चन कर यह पूजन पूर्ण होती है, इसे ही संकष्टी चतुर्थी है। साथ ही मनशामन गणेश पुजारी आशुतोष शास्त्री ने बताया कि सनातन धर्म के अनुसार माघ मास की चतुर्थी को संकट चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि में सबसे बड़ी होने के कारण इस दिन महिलाएं संतान सुख और संतान की उन्नति के लिए व्रत पूजन और आराधना कर संध्या काल में चंद्रमा का पूजन अर्चन कर प्रथम पूज्य श्री गणेश का पूजन अर्चन कर व्रत का पारायण करती है। संकट चतुर्थी का व्रत करने से श्री गणेश की कृपा परिवार पर प्राप्त होती है और परिवार सुख समृद्धि के साथ उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। वर्ष की चार चतुर्थियों में से एक बड़ी चतुर्थी तिलवा चौथ बोलते हैं, इसको तिल चतुर्थी। आज भगवान को तिल्ली के मोदक भोग लगते हैं और तिल्ली से ही भगवान का हवन होता है, पूजन होता है और खीर और तिल्ली दोनों भगवान को शिरोधक और तिल्ली से जो है हवन पूजन करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है, विघ्नों का निवारण किया जाता है। आज सभी सौभाग्यवती महिलाएं जो विवाहित होती है और जिनका विवाह हुआ है वह पहली आज से चतुर्थी का व्रत प्रारंभ करती है। सुख सौभाग्य और दीर्घायु विपुल धन धान्य समृद्धि के लिए आज का व्रत किया जाता है। इधर रामघाट स्थित मंगल मूर्ति जय श्री शिप्रा मुखी बाल सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में श्री गजानन का भव्य श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात पूजन अभिषेक के साथ महाआरती की गई। इस दौरान भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। देवा पूजा हो तुम्हारी, अरे बुझवारे देवा पूजा हो तुम्हारी, मोदक पिया है गजानन देवा तोरे। तिथि के अनुसार अगर देखें तो सर्वप्रथम तो माघ महीने का महत्व विशेष रूप से माना गया है सनातन धर्म संस्कृति में, जो विशेष रूप से जप तप और आराधना पूजन के साथ में विशेष रूप से इस महीने का महत्व जो विशेष माना गया है। वो तिल का महत्व हम जो उत्तरायण सूर्य के साथ में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश होते हैं उस रूप में हम तिल तिल दिन बढ़ता है, उसी प्रकार षष्ठी में जो प्रारंभिक काल के रूप में जो गणना की गई है यहाँ से उत्पत्ति मानी गई है, इसलिए इस चतुर्थी का महत्व विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है।